हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क ऑफ द डे में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या मैपिंग टास्क करना है। पर यहाँ पर न्यू मेंबर के लिए हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सुबह 8 बजे डेली टास्क दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, इसके अलावा क्या मैपिंग टास्क करना है, सब कुछ ए टू जेड बताया जाता है। और ये सिलेबस बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की लाइव क्लासेस भी दी जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का टास्क आप लोगों का क्या है। तो आज आपकी तैयारी का 19वां दिन है और डेट आपको 26 जुलाई आपको देखने को मिलेगी। तो आज आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 की, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसके लेसन नंबर आपको 15 और 16, यानी कि 15 और 16 आपको लेसन ना केवल पढ़ना है, बल्कि पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि ये वाली एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए देखने को मिलेगी। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। और कल आप लोगों के लिए मैपिंग टास्क दिया गया था, वो बहुत अच्छे से आप लोगों ने कवर करके दिया। ओके, तो इसी तरह से मैपिंग टास्क, चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि आज का आपका मैपिंग टास्क क्या है। तो आज का जो मैपिंग टास्क है वो यूरोप से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका कवर कराया गया था, साउथ अमेरिका के बाद अब यूरोप हम लोग देखेंगे। तो यूरोप की इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर सर्च करनी है। तो जैसे यहाँ पर देखिए प्रमुख प्रमुख यहाँ पर देशों के नाम, और कैसे जैसे आप लोग टहलते हैं ना, तो जैसे आप अपनी गलियों में टहलते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर टहलते हुए जाना है। आपको सारी लोकेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण आपको देश के नाम देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ खाड़ियों के नाम भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी लोकेशन है। तो ऐसा उसमें खोजने के बाद आपको एक ब्लैंक मैप पर, या फिर आप लोग खुद से एक छोटा सा मैप बना सकते हो और वहां पर सारी लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए नंबर एक आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा। ओके, इस आइसलैंड आप ऐसे करके घूमते हुए जाएंगे ना, तो आपको सारी की सारी लोकेशन दिख जाएंगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहली लोकेशन आपको आइसलैंड आपको देखने को मिलेगी, दूसरी लोकेशन आपको नॉर्वेनिया सी देखने को मिलेगी। तो देखिए दूसरी लोकेशन ये आपको देखने को मिलेगी, फिर आप लोग इस तरह से देखिए घूमते हुए जाइएगा, एकदम रास्ता नहीं छोड़ना है। जैसे गलियों में नहीं घूमते, इसी तरह से आपको मैप पर भी घूमना है, तो आपको पता है सब कुछ याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में आपके मैप बन जाएगा सभी चीजों का। तो देखिए आप आइसलैंड जाएंगे, आइसलैंड से आगे आप लोग जाएंगे तो आपको नॉर्वेनियन सी मिलेगा, फिर आप आगे जाएंगे तो आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा तीसरी लोकेशन, फिर आप लोग इससे आगे जाएंगे तो आपको स्वीडन देश देखने को मिलेगा चौथी लोकेशन, फिर आप लोग देखिए थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर आपको गल्फ ऑफ बुथनिया आपको देखने को मिलेगी, यानी बुथनिया की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये बुथनिया की जो खाड़ी है ये काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए आप इसको जैसे ही इसको पार करेंगे, फिर आपको फिनलैंड आपको देखने को मिलेगा, और फिनलैंड से जैसे ही आप लोग थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको फिनलैंड की खाड़ी देखने को मिलेगी। देख रहे हैं आप जैसे जैसे जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें पड़ रही हैं, भाई सिर्फ आपको देखते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर देखिए आप लोग थोड़ा सा आगे आएंगे, फिर आपको इस्तोनिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और फिर देखिए इस्तोनिया है, फिर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक खाड़ी टाइप का आपको इधर दिखेगा, देखिए यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ रीगा, ये 9th लोकेशन है। हो सकता है आपके मैप पर ना दे रखी हो, एटलस में ना दे रखी हो, तो आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होना है, यहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए बाल्टिक सी है ना, इसके ऊपर आपको लातविया दिख रहा है, तो इसके बीच में जो खाड़ी टाइप का दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है ना, यही है गल्फ ऑफ रीगा आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो 9th लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर देखिए आपको लातविया आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 10th लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आगे आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पर लिथुवानिया आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए लिथुआनिया के पास में रशिया का छोटा सा आपको यहाँ पर पार्ट देखने को मिलेगा, ये देखिए बाल्टिक सी है, इसी बाल्टिक सी में आपको यहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा रशिया का एक छोटा सा पार्ट। हो सकता है आपके एटलस में दूसरे नाम से दिया रखा हो, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग इससे, यानी कि 12वीं लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और फिर आप लोग थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको एक देश देखने को मिलेगा, पोलैंड आपको देखने को मिलेगा। ओके, यानी कि 13वीं लोकेशन ये आपको देखने को मिलेगी। 14वें नंबर पर फिर आपको जर्मनी पड़ेगा, इससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको जर्मनी देखने को मिलेगा। हम थोड़ा सा साइड से हट जाते हैं, इससे सारी लोकेशन आपको क्लियर दिखे। अब देखिए जर्मनी के ऊपर ही आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा, यानी कि जो 15वीं लोकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि जर्मनी के ऊपर आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा। और जो जर्मनी वाला जो पार्ट है, वो डेनमार्क वाला जो पार्ट है, इसी को जूटलैंड पेनिसुलर के नाम से भी जानते हैं। वैसे हम आपको ये फिजिकल मैप जब आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा जान लेना है, हो सकता है यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ हो। आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर नीदरलैंड देखने को मिलेगा, ये देखिए
नीदरलैंड। देखिए डेनमार्क के आगे थोड़ा सा आएंगे, थोड़ा सा तैरते बैठते आएंगे, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर 16वें नंबर की जो लोकेशन आपको देखने को मिलेगी नीदरलैंड, और नीदरलैंड से थोड़ा सा और आगे आएंगे समुद्र के तट के किनारे ही किनारे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर बेल्जियम देखने को मिलेगा, मतलब 17वीं लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको लिंजमबर्ग आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है आपके मैप में LUX ही शॉर्ट में लिखा हुआ हो तो आपको परेशान नहीं होना है। ये देखिए फ्रांस और जो जर्मनी है ना इसके बीच में छोटी सी जगह होगी जो आपको लग्जमबर्ग आपको देखने को मिलेगा, मतलब 18वीं लोकेशन आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर आपको फ्रांस देखने को मिलेगा, मतलब 19वीं लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, और फिर देखिए आपको यहाँ पर एक इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। चैनल क्या होता है, देखिए चैनल क्या होता है, दो स्थलखंड होते हैं उनके बीच में कोई सकरा जलमार्ग होता है ना, उसको हम चैनल बोल देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भारत में भी पढ़ा हुआ 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए क्या है, इंग्लिश चैनल है। यानी कि आप देखिए फ्रांस है, फ्रांस से अगर आप इंग्लैंड जाना चाहें, जिन लोगों ने हमारे ऊपर इतने सालों तक शासन किया, ओके, जो अंग्रेज जिसको हम बोलते थे, मतलब ये लोग आपको देखने को मिलेंगे इंग्लैंड के निवासी, कि यूनाइटेड किंगडम में आप लोग जाना चाहें तो आपको कौन सा पास, कौन सा चैनल पास करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश चैनल आपको पास करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंग्लिश चैनल को पास करेंगे तो आप इधर कहाँ पहुंच जाएंगे, इंग्लैंड में पहुंच जाएंगे, और इधर ही आपको आयरलैंड भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इधर हमको जाना नहीं है, इधर की लोकेशन ही नहीं दी है, तो हमें फ्रांस के बाद में हमें क्या देखना है, इंग्लिश चैनल आप लोगों को देखने को मिलेगा 20वीं लोकेशन, और फिर हम लोग थोड़ा सा इधर आएंगे तो देखिए आपको बे ऑफ बिस्के की, यानी कि बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 21वीं लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको एक स्पेन देश देखने को मिलेगा, स्पेन के बाद आपको इधर पुर्तगाल देखने को मिलेगा, और पुर्तगाल के बाद में इधर आपको देखिए इस तरह से जल संधि जिब्राल्टर जल संधि आपको देखने को मिलेगी। इसी जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से आप लोग भूमध्य सागर में मेडिटेरियन सी में आप लोग प्रवेश कर देंगे, लेकिन इधर की लोकेशन अभी दी नहीं गई है आप लोगों के लिए, बस इतनी ही लोकेशन आप लोगों के लिए अपने एटलस में खोजने के बाद आप लोगों के लिए लोकेट करनी है। तो देखिए किस तरह से घूमना है, देखिए आप लोगों को इस तरह से आपको घूमते हुए चले जाना है, आपको सारी की सारी इस तरह से, ये सारी की सारी आपको इस तरह से लोकेशन मिल जाएंगी। तो जैसे आप लोग गलियों में घूमते हो उसी तरह से आप लोग एटलस में घूमा करिए, जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार याद करिए, अच्छा अच्छा अगर मैं यूरोप का किनारे किनारे टूर करना चाहूँ तो मुझे कौन कौन से देश मिलेंगे, और उन देशों में प्रवेश करने के लिए मुझे किन चीजों को पास करना पड़ेगा। जैसे कि जो आइसलैंड है, आइसलैंड से आपको नॉर्वे जाना है तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, नॉर्वेनियन सी आपको पास करना पड़ेगा। ओके, जैसे नॉर्वे से स्वीडन चले जाएंगे ऐसे ही चले जाएंगे, भाई दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर आप इधर से जाएंगे तो दो रास्ते हैं, अगर आप फिनलैंड जाना चाहते हैं स्वीडन से तो या तो आप स्थल के मार्ग से जा सकते हैं या फिर जलीय मार्ग से भी जा सकते हैं। जलीय मार्ग से जाएंगे आपको तो गल्फ ऑफ भूतनिया की जो भूतनिया की खाड़ी है वो आपको पार करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग मैप को कवर कर लेंगे, और कल हम आपको और सारी लोकेशन दी जाएंगी। देखिए ये जो प्रोग्राम है बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से चल रहा है, और इसी क्रम में जो लोकेशन दे रखी थी इसी क्रम में आप लोगों को लिखनी है, इधर उधर आगे पीछे नहीं करना है वरना समस्या आ जाएगी। तो देखिए आप लोग अभी हम लोग ज्योग्राफी एंड, अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई में हम लोग ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट को हम लोग कवर कर रहे हैं, और 11th क्लास की है, जल्दी ही आप लोगों की ये फिनिश हो जाएगी, इसके बाद में ये सारी हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो ये टास्क है इस सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली मिल जाते हैं, आप लोग आकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इस टास्क के अलावा आप लोगों की लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना होता है तो हमने आप लोगों के लिए 3 बैचेस वीडियो फर्स्ट लॉन्च किए हैं, एक IAS का बैच और 2 PCS के बैच, यानी कि एक UP PCS का और दूसरा BPCS का बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, आप लोग इन्हें आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही क्लासेस, प्रीमियम क्लासेस आप लोगों के लिए प्रदान की जा रही है। देखिए 3 बजे आप लोगों की PCS की क्लास चलती है और 6 बजे आप लोगों की यहाँ पर IAS की क्लास चलती है, तो इस तरह से सारी क्लासेस चलती है। इसके अलावा ये दोनों देखिए लाइव क्लासेस होती है, और जो 12 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास होती है। ओके, और इसके अलावा संडे को आप लोगों के टेस्ट होते हैं, इसके अलावा जूम मीटिंग आप लोगों की होती है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और सुबह 8 बजे हमको टास्क दिया जाता है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट है तो सभी प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दी है, तो आप जिस भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं उस बैच के आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर सारे के सारे लेक्चर आपको एक जगह पर मिल जाएंगे जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस सब्जेक्ट पर हम कितनी क्लासेस आप लोगों के लिए प्रदान करेंगे,
तो यहाँ पर आप लोग देख करके देख सकते हो। ओके, इसके अलावा आपके आई कार्ड है वो बन गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम देख लीजिए, अगर इसमें अगर आपका नाम है तो आपका आई कार्ड बन चुका है, ये बॉयज का है। और इसी तरह से आपको गर्ल्स का देखने को मिलेगा, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपना नाम देख सकते हैं, अगर आपका नाम है तो आपका आई कार्ड बन चुका है, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर सकते हैं, तो आपका आई कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। अगर जो लोग नए मेंबर हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, सेम थंबनेल आपको ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर यही लगा हुआ है, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो अभी आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वैसे यूट्यूब चैनल पर आपको आराम से ये वाली वीडियो मिल जाएगी। ओके, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहे, आप लोगों के लिए हम वैल्यूएबल कंटेंट इसी तरह से लाते रहेंगे। ओके।